अस्सलाम वालेकुम। आज एक रिव्यू दे रही हूँ मैं एक मॉप का और एक क्लीनर का, ठीक है। तो मैं पहले सबसे पहले जो है वो आपको क्लीनर के बारे में बता देती हूँ। क्लीनर, ये वाला जो क्लीनर है ना, सॉफ्ट लाइन वाला, वुड एंड फ्लोर का क्लीनर है। और ये इससे आप कैबिनेट, किचन के कैबिनेट्स, अपने रूम के कैबिनेट्स आराम से साफ़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी से सफाई होती है। आप इसमें हल्का सा महलूल ये वाला लेके और थोड़ा पानी मिला के आप इसको स्प्रे की बोतल में भर के और इस पर इससे स्प्रे करके आप इसको साफ़ कर सकते हैं। ये मैंने इम्तियाज़ से लिया था और बहुत रिजनेबल प्राइजेस में मिला था। ये देखें, कैबिनेट इससे साफ़ हो जाते हैं और जो है ना किचन के कैबिनेट भी बहुत इसीलिए साफ़ हो जाते हैं। आप इससे जो है किचन का जो चूल्हा होता है वो भी साफ़ कर सकते हैं, टाइल साफ़ कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल और बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये 550 की पूरी बॉटल थी जिसमें से मैंने अभी थोड़ा जो है स्प्रे बोतल में निकाल के रखा हुआ है, उसी से मैं स्प्रे करके अपने किचन के ऊपर के कैबिनेट पूरे साफ़ कर लेती हूँ और आराम से सफाई हो जाती है। आप लोग भी इसको इस्तेमाल करके देखें। इम्तियाज़ से मैंने ये बाय किया था और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। मैंने कहा चले आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ ये वाली चीज़। अच्छा, सेकेंड थिंग जो है मेरे पास वो है मेरे पास मॉप, ठीक है। ये वाला जो मॉप है ना, ये वाला मॉप देखें, गोल स्पेस उसमें बना हुआ है, राउंड शेप में बना हुआ है। ये राउंड शेप इसका इतना इतना अच्छा है कि इससे आप अपनी जो है किचन की वॉल्स जो है वो साफ़ कर सकते हैं, टाइल साफ़ कर सकते हैं, किचन के ऊपर के कैबिनेट जो होते हैं वो इजीली साफ़ हो जाते हैं। ये छोटा बड़ा हो जाता है हमारे पास और ये बहुत अच्छा मॉप है। आप इसको निकाल के वॉश कर लें और फिर इसको इस्तेमाल कर लें। ये बहुत अच्छा मॉप है और इससे मैंने अपने किचन के कैबिनेट साफ़ किए हैं, बहुत अच्छे साफ़ हो गए हैं। और आराम से ये देखें, इस तरह से भी के ऊपर आपके कैबिनेट भी हैं अगर है तो उससे भी साफ़ हो जाएंगे ये कैबिनेट और बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। सफाई इससे बहुत अच्छी होती है। आपने जैसे स्प्रे किया और इससे आपने मॉप कर दिया, बहुत अच्छा स्प्रे से साफ़ हो जाता है। ज़बरदस्त मॉप है, इसका भी मैं रिव्यू देना चाह रही थी। ये भी मैंने मंगवाया था और ये भी बहुत अच्छा था। अल्लाह हाफिज़।